हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम निकल चुके हैं सिक्किम के लिए, तो हम सिक्किम घूमने जा रहे हैं। पूरा सिक्किम और दार्जिलिंग और गैंगटॉक वगैरह ये सब हम घूमने जा रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा सुपर एक्साइटेड है हम इस ट्रिप के लिए। और ये 10 दिन की ट्रिप है मेरी, तो लेट्स सी कैसे होता है और आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो पहले हम लोग जाएंगे यहाँ से दार्जिलिंग, 2 दिन हम दार्जिलिंग में रुकेंगे एंड फिर 2 दिन हम गैंगटॉक में रुकेंगे, और उसके बाद हम देखते हैं। और इस बार का मेरा प्लान है कि 25th जो हमारा क्रिसमस ईव है, 24th इवनिंग, तो वो हम गैंगटॉक में ही सेलिब्रेट करेंगे। तो यही है दोस्तों, तो आइए आपको मैं आगे की जर्नी दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग रास्ते में ही हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ट्रैफिक है। सुबह सुबह 9 बजे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, देखो। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3। तो आइए दोस्तों अब हम आपको लेके चलते हैं अंदर, और सबसे पहले हमने अपने बैगेज सारे बैगेज काउंटर में देने हैं, और वेब चेक इन हमने ऑलरेडी करवा लिया अपना। और उसके बाद हम लोगों के पास टाइम है, हमारी 12:30 बजे की फ्लाइट है। बहुत लंबी लाइन है। तो अब हम भी इस लंबी लाइन में लगेंगे। और अब इस बैगेज काउंटर में बैगेज देके डोमेस्टिक डिपार्चर की तरफ जाएंगे। और अब हमने सिक्योरिटी चेक क्लियर कर लिया है, अब हम अपने गेट्स की तरफ जाएंगे। और दोस्तों अब हम यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी का फ्री का सैनिटाइजर यूज करेंगे, और फ्री की चीज़ें यूज करने में तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है। तो दोस्तों अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, बिकॉज हमारी फ्लाइट डिले हो गई है 40 मिनट्स। तो पहले हमारी 12:30 बजे की फ्लाइट थी, अब 1 बजे की हो गई है। तो सबसे पहले अब हम VIP लाउंज जाएंगे और वहीं पे बैठेंगे, थोड़ी देर खाएंगे पिएंगे रेस्ट करेंगे। और दोस्तों जैसे क्रिसमस एंड न्यू ईयर का टाइम है, तो देखो दिल्ली एयरपोर्ट में इतना प्यारा सजाया हुआ है, और यहाँ पे इतने प्यारे सेंटा क्लॉज बनाए हुए हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और दोस्तों देखो कितने सारे लोगों ने यहाँ पे भीड़ लगा रखी है सेंटा क्लॉज देखने के लिए। ये प्रीमियम प्लाजा की लाइन है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोग लाउंज में यहाँ पे आ गए हैं, और बहुत ही ज्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे। We talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long. तो दोस्तों फाइनली मुझे सीट मिल गई, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है आज। और दोस्तों प्रीमियम प्लाजा इज़ नो मोर प्रीमियम प्लाजा, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और बाकी और थोड़ा रेस्ट करके फिर हम कुछ खाने पीने के लिए चलते हैं, और उसके बाद फिर हम जाएंगे अपनी एयरक्राफ्ट की तरफ। All I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. और दोस्तों मैंने ली थोड़ी सी पाव भाजी और चिकन सॉसेज, और इसके बाद अनलिमिटेड कॉफी। तो गाइज अभी हम लोगों का हो गया लाउंज वाउंज सारा, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं अपनी फ्लाइट की तरफ, और हमारा बोर्डिंग टाइम स्टार्ट हो गया, और बस अब लोग हम निकल रहे हैं।
stand beside you. I would. So अभी हमारा गेट नंबर 36 हमें मिला है और when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, तो दोस्तों एयरक्राफ्ट आ गया मेरा और बोर्डिंग भी शुरू हो गई है. देखो कितनी लंबी लाइन लगी है बोर्डिंग में. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. तो दोस्तों फाइनली अब मैं अपने एयरक्राफ्ट में आ गया हूँ. तो दोस्तों मैंने पेड विंडो सीट ली है फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को विंडो से दिखाऊं. तो दोस्तों फाइनली अब हम लोग बैठ गए हैं और हमें इमरजेंसी एग्जिट वाली सीट्स मिली है. तो इन सीट्स में लेग रूम बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों. अगर हम बाकी सीट से कंपेयर करें तो इमरजेंसी एग्जिट वाली सीट्स पे आपको लेग रूम काफ़ी ज़्यादा मिलेगा. तो दोस्तों अब हम इसी के साथ टेक ऑफ करते हैं और आपको भी बाहर के नज़ारे दिखाते हैं. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I will.